दोस्तों मैं मोहन राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डी बॉयज एंटरटेनमेंट। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो फिर से बेस्ड है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों देख लीजिए, इसके चांसेस 95% और सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों सम्स को सॉल्व करने से पहले सम्स को एक बार पढ़ लेते हैं और आप लोग वीडियो पॉज करके सम्स को नोट कर लीजिए। देखो सम्स को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौरव अप्लाइड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.5 पर शेयर, बट ही वाज allotted only 2500 shares on prorata basis. After having paid ₹3 per share on application, he did not pay allotment money of ₹4.5 per share including premium. And on his subsequently failure to pay first call of ₹2 per share, his shares were forfeited and his shares were reissued of ₹8 per share as fully paid up. दोस्तों सम्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जिससे कि आपको इस टाइप का कोई भी सम्स अगर आता है तो आपको सम्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, गौरव ने अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए, अप्लाई किया है कितने के लिए, अप्लाई किया है 5000 के, लेकिन उसे अलॉट कितने किए, 2500 शेयर ही अलॉट किए हैं, वो भी इस पर प्रोराटा बेसिस पर। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी शेयर्स को allotment money and first call money. He did not pay allotment money and first call money. Allotment money देने में fail हो गया, वो साथ में हो गया है first call देने में भी fail. तो इस तरीके का कोई प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो आप किस तरीके से उसे सॉल्व करोगे। मैं सम्स में सारी एंट्रियां नहीं कर रहा हूँ, केवल फोर्थ फीचर की एंट्री करूंगा, रीशूट की एंट्री करूंगा और थर्ड जो लास्ट एंट्री है वो है कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो सबसे पहले तो दोस्तों कैलकुलेट करो आपके पास कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट आपको परचेस करना है, कितना अमाउंट ड्यू निकलेगा अलॉटमेंट, तो सारी चीजें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, दो कॉलम बना लो, फर्स्ट कॉलम शेयर अप्लाइड, देन शेयर अलॉटेड। गौरव ने अप्लाई किया है 5000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने उसे जो शेयर अलॉट किए वो किए 2500। आगे लिखा हुआ है जो भी एक्सेस मनी होगी वो किसके साथ मैनेज करनी है, प्रोराटा के साथ मैनेज करनी है। प्रोराटा जब भी बोला उसका मतलब थोड़ा सिंपल सा होता है, अलॉटमेंट के साथ में एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें करना है एडजस्ट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगी किसके साथ में, फिर अलॉटमेंट एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी फिर अलॉटमेंट। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, पता लगाते हैं कि हमें एप्लीकेशन में कितना पैसा आया और कितने अमाउंट में हमें शेयर अलॉट किए। देखें तो दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 5000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई, साथ में आया हमारे पास में एप्लीकेशन का पैसा और एप्लीकेशन का प्राइस कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अमाउंट आ जाएगा आपका 15000 अमाउंट इश्यूड ऑफ शेयर्स, अमाउंट इश्यूड ऑफ शेयर, कितने अमाउंट के आपने शेयर इश्यू किए हैं, 2500 आपने शेयर अलॉट किए इश्यू किए मल्टीप्लाई बाय 3, इट मींस आपने जो शेयर इश्यू किए वो किए 7500 रुपीज के। अब भी आपके पास में कितना एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 7500 जिसे आपको एडजस्ट करना है बेर अलॉटमेंट। नेक्स्ट स्टेप है आपको डिव कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिव कैलकुलेट करने के सिंपल से स्टेप है, आपको चेक करना होता है कि इतने अमाउंट को क्या हम रियल में अलॉटमेंट के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या करना है, ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करना है अलॉटमेंट पे। तो ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट दोस्तों, पहली एंट्री
मैक्सिमम नंबर से इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और बाकी सारे एंट्रियां मिनिमम नंबर से। सिर्फ कितने लोग किए 2500 और बैंक का पैसा हम 2500 का लेंगे या 5000 का लेंगे? 2500 का ही तो लेंगे क्योंकि शेयर तो हमने 2500 अलॉट किए हैं। 5000 पूरे शेयर अलॉट किए हैं। 5000 के लिए तो वर्क ने अप्लाई किया था लेकिन शेयर अलॉट किए थे केवल हमने 2500। तो पैसा भी तो अलॉटमेंट पर 2500 से इसका ही तो लेंगे। और अलॉटमेंट फाइल कितना दे रखा है आपका 4.5, इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी है इंक्लूडेड। मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 से तो अमाउंट आपका निकल के आएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 4.5 अमाउंट आएगा आपका निकल के 11250, जिसे क्या करना है आपका ड्यू है। और इस ड्यू अमाउंट को हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट मनी का पैसा में एक्सेस मिल चुका था, 5000 का अमाउंट हमारे पास आया था 5000 शेयर्स पर एक्सेस अमाउंट, इस एक्सेस अमाउंट को क्या करेंगे अलॉटमेंट के साथ में एक्सेस जो एक्सेस एक्सेस हमें अभी तक था साथ में मिल चुकी है उसे करेंगे हम एडजस्ट। लेकिन एडजस्ट करने से पहले इस स्पेसिफिक कैटेगरी के सम्स में जहां आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव टू लिए आपने कम अमाउंट के शेयर रिसीव किए हैं अलॉटमेंट देने में फेल हो रहा है और अलॉटमेंट में दे रखा है प्रीमियम, ये क्वेश्चन है स्पेसिफिक कैटेगरी का। किस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले अलॉटमेंट प्राइस को बदल दोगे अलग, जितना भी आपको एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है ऑन एप्लीकेशन, तो ऑन एप्लीकेशन आपको एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 7500, इसमें से क्या कर देना है आपको अलॉटमेंट के प्राइस को भर देना है अलग विदाउट प्रीमियम। तो शेयर जो इश्यू किए हैं वो किए हैं 2500 और अलॉटमेंट प्राइस है 2। कैसे अलॉटमेंट में जो पैसा मिला है वो हमें मिला है 4.5, इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, प्रीमियम का प्राइस कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है। इस मींस ये अमाउंट हो जाएगा 2 प्लस 2.5 इक्वल टू 4.5, इसका मतलब अलॉटमेंट का कितना प्राइस हो गया 2। अमाउंट कितना आएगा इसे कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा 5000। एक्सेस एप्लीकेशन हमें कितनी रिसीव हुई थी 5000, एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव हुआ इसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना हमें 7500, इसमें से क्या किया हमने अलॉटमेंट प्राइस को कर देते हैं हम अलग 7500 माइनस 5000 कर दो आप अलग, तो बाकी कितना पैसा बचा हुआ है, बाकी पैसा बचा हुआ है 2500 और ये पैसा किसका हो गया है प्रीमियम का, ये पैसा किसका है प्रीमियम का 5000 किसका पैसा था ये वाला, ये है अलॉटमेंट का पैसा। दोस्तों ये कैलकुलेशन इसलिए की है कि जब आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो इन अमाउंट को आपको वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों खैर हमारे पास में वर्किंग नोट पूरा आ गया, आपको फाइनली क्या करनी है हमें एंट्री कर लेनी है, क्या कर लेनी है एंट्री। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है डेटा बना लेना, क्या बना लेना है डेटा बना लेना, देखो देख लेते हैं प्राइस, एप्लीकेशन का प्राइस है 3, अलॉटमेंट का प्राइस है 4.5, नीचे लिख लो 2 प्लस 2.5, इट मीन 4.5। फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो है 2 रुपीज, सबको देख लो। अब इससे दूसरा तरीका भी है कि शेयर के एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, इसके बाद फाइनल कॉल भी होगी, फाइनल कॉल का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। कंपनी 10 रुपए के हिसाब से शेयर इशू कर रही है 2.5 प्रीमियम पर, तो शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 12.50 पर कंपनी ने क्या किया अपने शेयर को इशू किया है। इसमें से कितने कॉल की बात हो चुकी है, 3 रुपए एप्लीकेशन की बात हो गई, 4.5 अलॉटमेंट की बात हो गई और फर्स्ट कॉल की बात हो गई 2 रुपए के साथ, सबको प्लस करो 3 प्लस 4.5 7.5 प्लस 9.5, इसका मतलब फाइनल कॉल क्या हो जाएगी, फाइनल कॉल कितनी हो जाएगी 3 रुपए, कितनी हो जाएगी 3 रुपए की, क्लियर, जो कि मेड ही नहीं है, जो कि मेड नहीं हुई है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इस फाइनल कॉल से कोई मतलब भी नहीं, हमें केवल एक कॉल पे फोकस करना है, एक कॉल पे फोकस करते हुए हमें फॉरफीचर की एंट्री कर दी है। दोस्तों समझ में सारी एंट्री नहीं बता रहा, केवल तीन ही एंट्री बताऊंगा, फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, रेशियो ऑफ द शेयर्स और रिजर्व वाली एंट्री। सबसे पहले करते हैं फॉरफीचर की एंट्री, बताया सबको जब आप शेयर इशू करते हो तो समय हम शेयर कैपिटल को करते हैं क्रेडिट, लेकिन जब शेयर को हम करेंगे फॉरफीट उस कंडीशन में हम शेयर कैपिटल को कर देंगे डेबिट। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों प्रीमियम का अमाउंट हमें नहीं मिला है, अलॉटमेंट में प्रीमियम दे रखा था, अलॉटमेंट का प्राइस भी नहीं मिला है हमें, तो साथ में प्रीमियम भी तो नहीं मिला, जब हमें प्रीमियम नहीं मिलता है प्रीमियम को भी हम क्या करते हैं डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जहां जब पैसा नहीं मिला है कॉल को सो कर दो, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला है तो टू शेयर अलॉटमेंट, साथ में हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कोई कंफ्यूजन
जो पैसा हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है होता है उस अमाउंट को हम किस नाम से दिखाते हैं, उस अमाउंट को दिखाते हैं हम शेयर फॉरफीटेड के नाम से। टू शेयर फॉरफीटेड फॉरफीटेड अकाउंट, क्लियर। और फाइनली में अमाउंट कर देते हैं फिल। अब देखते हैं दोस्तों हमें एक्चुअल में कॉल्ड अप कितना हो चुका है, 3 4.5 7.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9.5। कितना कॉल्ड अप हुआ है 9.5। इसमें प्रीमियम अमाउंट माइनस कर दो क्योंकि प्रीमियम को आपने ऐसे डेबिट कर रखा है, तो प्रीमियम अमाउंट कर दोगे आप माइनस, तो कितना बचा 7 बचा। तो शेयर कैपिटल कितना दिखाओगे आप 7 दिखाओगे। कितने शेयर फॉरफीट हुए हैं 2500 मल्टीप्लाई बाय 7 अमाउंट आएगा आपका 17,500। अगर कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीमियम अमाउंट कितना नहीं मिला, प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट करके देखते हैं। प्रीमियम अमाउंट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 2500 मल्टीप्लाई प्रीमियम अमाउंट दे रखा है 2.5, तो अमाउंट जब कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा आपका 6250। कितना अमाउंट आएगा 6250, जिसमें से हमें 7500 जो एप्लीकेशन पैसा एक्सेस मिल चुका है, प्रीमियम का पैसा भी तो एक्सेस मिला है हमें, तो प्रीमियम के पैसे को कर देंगे हम माइनस। और प्रीमियम का पैसा कितना है, प्रीमियम का पैसा है आपका 2500, ये माइनस कर दो एक्चुअल में निकल जाएगा, प्रीमियम का एक्चुअल में आपको उसका पैसा नहीं मिला है, माइनस कर दिया आपने 2500 अमाउंट आएगा आपका 3750। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 3750, तो एक्चुअल में आपको प्रीमियम का कितना अमाउंट नहीं मिला है 3750 नहीं मिला है। कोई दिक्कत 3750। अब दोस्तों में क्या करना है, फाइनली कैलकुलेट करना है अलॉटमेंट में कितना अमाउंट था जो हमें नहीं मिला, तो 3 देख लेते हैं दोस्तों अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला। नंबर ऑफ शेयर कंपनी इश्यू किए 2500, अलॉटमेंट पर कितना ड्यू था 4.5, कितना अमाउंट ड्यू है 4.5, मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट निकल के आएगा 11,500 तो एक्चुअल में हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला है 3750 नहीं मिला। तो आप अलॉटमेंट में ड्यू कितना से दिखाओगे 3750 से दिखाओगे जो कि हमें नहीं मिला है। कोई गलती है दूसरी बार कमेंट में फिर से बता देता हूं कि अलॉटमेंट पर हमने ड्यू अमाउंट निकाला, निकल के आया हमारा अमाउंट 11250, जिसमें से 7500 ऑलरेडी एप्लीकेशन में हमें एडजस्ट में एक्सेस अमाउंट मिल चुका था, उस एक्सेस अमाउंट को क्या करना था हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना था, उसी अमाउंट को हमने कर दिया यहां माइनस। एक्चुअल में अलॉटमेंट का कितना अमाउंट मिला है, अमाउंट मिला है 3750, 3750 यहां अलॉटमेंट में नहीं मिला है जो कि मैं शो कर दिया अलॉटमेंट के नेम से। नेक्स्ट देखो फर्स्ट कॉल पर हमें कितना अमाउंट मिला है, फर्स्ट कॉल का प्राइस रखा है 2, कितना रखा है 2, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 2500 से जो कंपनी ने इशू की है 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का प्राइस नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल पर कितना प्राइस नहीं मिला हमें 5000 मिला है। अब जो फॉरफीचर का अमाउंट निकालेंगे, फॉरफीचर का मतलब होता है हमारी इनकम जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, किससे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, किससे निकालेंगे अब नेक्स्ट एंट्री होगी रीइश्यू की, तो रीइश्यू की बात कर लेते हैं। रीइश्यू के लिए कह रहा है कि जितने शेयर कंपनी ने फॉरफीट किए, कंपनी ने फॉरफीट किए थे 2500 शेयर, उन्हीं शेयर को रीइश्यू कर दिया है कितने रुपए से 8 रुपए के हिसाब से, होने चाहिए थे 10 एज प्रीपेडर का है, प्रीपेडर का मतलब होता है शेयर की एक्चुअल वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए में होने चाहिए थे, वो कितने में आए 8 में, इट मींस 2 रुपए कम में 200 जो नेक्स्ट एंट्री करनी है वो हमें करनी है रीइश्यू की। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जो शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 8 रुपए पर शेयर एज फुली पेड, तो हमने कितने शेयर फॉरफीट किए थे 2500, और शेयर रीइश्यू कितने लिए हैं अगेन 8 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं, इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ है 2 रुपए का शेयर पर। दोस्तों रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं हम, रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी, पैसा आएगा कंपनी के पास में शेयर इशू होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है इसका मतलब, लॉस हो रहा है इसका मतलब शेयर फॉरफीटर को कर देंगे डेबिट, शेयर फॉरफीटर को कर देंगे हम डेबिट।
शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 2500 शेयर इशू किए हैं 8 रुपीज के हिसाब से, कंपनी को 2500 शेयर पर लॉस हुआ है 2 रुपए के हिसाब से, मल्टीप्लाई को फटाफट से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2500 मल्टीप्लाई बाय 8 अमाउंट आएगा आपका 20000, और 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 अमाउंट आएगा आपका 5000, सबको प्लस करो वो अमाउंट आएगा 25000 जो हमने सुबह दिया है शेयर कैपिटल के नाम से। वो दोस्तों यहां पर एक बार अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिवर्स करके बैक करके समझ सकते हो टॉपिक को, और फिर के एंड समझो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर सॉरी कैपिटल रिजर्व की एंट्री, इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है सिर्फ फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए दोस्तों एंट्री कर लेते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोस्तों मैं इस एंट्री को करने की क्या जरूरत पड़ी, माइंड में आ रहा होगा सर कंपनी में केवल सम समय को सिर्फ प्रॉफिट हुए और इशू हुए हैं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करने के लिए तो नहीं बोला ही नहीं है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कंपनी 2013 नॉर्म्स ये कहते हैं कि जब हम शेयर को प्रॉफिट कर रहे हैं उस समय कितनी इनकम हुई शेयर पर, और जब हमने इशू किया उस समय क्या लॉस हुआ, वो सारा माइनस प्लस करके एडजस्ट करने के बाद में जो अमाउंट बचता है हमें क्या करना होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। जरा देख लेते हैं अमाउंट इस एंट्री में कौन सा अमाउंट आया। जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे तो हमारी इनकम हुई थी 2500 की, जब हमने शेयर रीइश्यू किए तो हमें लॉस हुआ है 5000 का। कितना लॉस हुआ है 5000 का, तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा 2500 माइनस 5000 अमाउंट आ जाएगा आपका 7500 कैपिटल रिजर्व में जिसे कर दिया हमने ट्रांसफर। तो दोस्तों ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी सीबीएसई 2009 बोर्ड एग्जाम आने के अच्छे चांसेस हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस सम्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे सम्स है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में आने की, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है शेयर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।